हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त परवेज मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिर्ज़ा ग्रुप। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बिना गुनिए के राइट एंगल कैसे किया जाए। आप देखते होंगे कहीं कहीं कोई लोग काम करने जाते हैं, उनके पास राइट एंगल नहीं होता, सिर्फ इंची टेप होता है, तो वो खाली इंची टेप से राइट एंगल कैसे निकालें, आज मैं आपको इसी के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए, हम शुरू से ही बताते हैं आपको एकदम। हमने यहाँ से एक लाइन लेनी है नीचे से 6 इंची। ये हमने एक लाइन 6 इंची ले ली, 6 इंच, और एक लाइन हमने ले ली यहाँ पे 5 इंच, 90 डिग्री। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका ये कितना आएगा और इसको आप कैसे निकालेंगे कि इसका साइज पूरा आपको निकल जाए। तो देखिए, हमने ये 6 इंच लिया, ये 5 इंच लिया। आपने बहुत सारे फॉर्मूले में देखा होगा, लोग बताते हैं 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इसको निकालते कैसे हैं ये आपको मैं बताऊंगा, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, 3 नंबर हमने 6 इंच लिया। अगर 6 इंची 6 × 3 करेंगे तो 18 आएगा, ये इसका नॉर्मल फॉर्मूला है। हम 6 इंची को 3 से करेंगे तो ये 18 आएगा। उसके बाद 5 इंची को, ये जो 4 नंबर दिया है, 5 को 4 से करेंगे तो ये 20 आएगा। ये और ये, इस दोनों को हम एक जगह जोड़ेंगे, 18 20, ये बराबर होके आएगा 38 इंच। अब 38 इंच को, ये जो 5 नंबर है, 38 को भाग कर देंगे 5 से तो ये आएगा 7.6 इंच। तो ये हमारा हुआ 7.6 इंच। तो बहुत इजी है। अभी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। अब देखिए, एक निशान हम लोग लेते हैं यहां से 12 इंची, यहां से ले लेते हैं हम एक निशान 12 इंच लिया। उसके बाद एक निशान लेते हैं 10 इंच लिया, 90 डिग्री हुआ। उसके बाद इसका कितना आएगा ये भी मैं आपको भी बता देता हूँ। ये दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको किसी से कुछ भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बहुत ही इजीली इसको निकाल सकते हैं। और इसका ये नहीं है कि आपको ये 4 इंच लेना है या 5 इंच लेना है, आप इसको कितना भी ले सकते हैं और इसको भी कितना भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको इतना ही साइज लेके उसी से निकालना है, क्योंकि कुछ आप देखते होंगे नीचे का वाल इतना है, ऊपर का वाल हमारा बड़ा हो गया, हमने नीचे तो साइज निकाल लिया लेकिन ऊपर से अगर राइट एंगल करना है तो कैसे करेंगे। तो ये मैं आपको टोटल ही फॉर्मूला बताता हूँ। ये 3 इंच हो गया, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो देखिए, हमारा नीचे का था 12 इंची, ये साइड का था 10 इंची। तो इसका बताता हूँ, 12 इंची × 3, 3 नंबर ये है, बराबर 36 इंच। उसके बाद 10 इंची, 4 × 4, बराबर 40, ये 40 हुआ। 36 और 40, 36 + 40 बराबर 76, 76 को 5 नंबर, 76 / 5 बराबर 15.2, तो ये आया अपना 15.2 इंच। तो देखिए दोस्तों, आप किसी का भी बहुत इजीली इस तरह से निकाल सकते हैं, ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन आपको बहुत सारे फॉर्मूले बता बता के कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए आप लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही देसी तरीके से बताया है, तो आप आई होप बहुत अच्छा आपको लगा होगा और आप निकाल के देखेंगे तो आपका एकदम 0-0 आएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए।